अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे हलीम, तो उसमें जो जो चीज़ें जाती हैं वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। इसमें जाएगी दो स्टेप में बनेगा हलीम, एक में ये हम हलीम पकाएंगे और दूसरे स्टेप हमारा होगा गोश्त को पकाने का, ठीक है जी। एक प्याली गंदम है, ये हमने धो के इसको भी खोया था। आधी प्याली इसमें जाएगी चने की दाल, ठीक है जी। और ये तकरीबन जोंसी है और मसूर की दाल है, इसमें ये तकरीबन ये एक छोटी प्याली जाएगी, ठीक है जी। और ये है माश की दाल, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होगी। और ये है मूंग की दाल, ये तकरीबन जनाब 4 टेबलस्पून है। और ये तकरीबन 6 से 7 है, 7 टेबलस्पून है, ठीक है जी। और ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे राइस, ठीक है जी। अब हम जो है इसके आपको स्पाइस दिखाते हैं, इसमें जो स्पाइस रहेंगे। और इसमें जब हलीम हमारा रेडी होगा उसमें ये जाएगा 1 चम्मच जौन सा है पिसा हुआ जीरा, भुना पिसा जीरा, और 1 चम्मच है पिसा हुआ गर्म मसाला, ठीक है जी। 3 चम्मच नमक जाएगा इसमें हलीम और दाल में, ठीक है जी। और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएंगी, क्योंकि गोश्त में भी हमने डाल के बनाना है तो इसलिए हमने साथ ही डालना है। और इसमें 1 चम्मच ये धनिया पाउडर जाएगा, ठीक है जी। और ये इसमें 1/2 टीस्पून जो है हल्दी का जाएगा, ठीक है जी। और इसमें ये बे लीफ जाएंगे तकरीबन 6 से 7। इसमें जाएगा ये 1 बड़ा प्याज हलीम के अंदर, ठीक है जी। और 1 प्याज जाएगा गोश्त के अंदर, और 1 प्याज का हम लगाएंगे तड़का, ठीक है जी। और ये 1 अदरक का टुकड़ा इतना बड़ा, और 7 से 8 हरी मिर्चें, और 1 लेमन, ये हम आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम अपने ये जो है गंदम, ये हमारी गंदम और ये दाल, इन दोनों को मिक्स करके इनको भिगो देंगे, ठीक है जी। और फिर हम इसका बनाना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पहले हमने पहले गंदम और चने की दाल ऐड करनी है, ठीक है जी। बाकी सारी दालें जो सी हैं वो हमने इसमें पैन में डालनी है, मसूर की दाल और ये मूंग की दाल और ये माश की दाल और ये राइस, ठीक है जी। इनको हमने सेपरेट भिगोना है, ठीक है जी। अब हम आपको दिखाते हैं गोश्त, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमने लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है, हड्डी वाला बीफ, ठीक है जी। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 चम्मच हमने ये धनिया पाउडर डाला है, 1 ही चम्मच हम नमक का डालेंगे, 1 चम्मच हम सुरख मिर्च का डालेंगे, और ये 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून जो हमने हल्दी का, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच और तकरीबन ये 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें पानी इतना डालेंगे जिसमें ये गल के रेडी हो जाए, ठीक है जनाब। हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है, ठीक है। ये 1 लीटर की मेजरमेंट है, अगर कम लगेगा तो, अगर नहीं गलेगा फिर हम दोबारा से डालेंगे, ठीक है जनाब। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये अपने गोश्त जो सारे मसाले डाले थे, इसमें सिर्फ प्याज रह गई थी, ये प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है जनाब। क्योंकि गोश्त ने गलना भी है, पकना भी है, तो ये टाइम लेगा, ठीक है जी। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और तकरीबन ये जो है हमारा गोश्त
तकरीबन, क्योंकि ये बीफ है, ये देखिए ठीक है, ये तकरीबन आधे से पौना घंटा लेगा पकने के लिए, ये देखिए ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो तकरीबन हम इसको आधे घंटे के बाद दोबारा आपको दिखाएंगे। इतनी देर हम हलीम जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि हलीम पकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए तो हम इसको दूसरी तरफ, दूसरे चूल्हे पे, ये देखिए उस पर टर्न कर देंगे इधर, ठीक है जी, ये इधर पकता रहेगा, ये देख लीजिए ठीक है। और इधर हम पकाएंगे अपना हलीम तैयार करते हैं। ये हमने चूल्हा जला लिया और पैन लिया है, ठीक है जी, और हलीम चढ़ाते हैं उसमें। एक कप के बराबर ऑयल डालेंगे, ठीक है जी, ये हमने प्याज जो लिया था बड़े वाला वो इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने कवर कर दिया है, हमारा पक रहा है, ठीक है जी। इतनी देर हमारा प्याज लाल हो रहा है, गंदम और चने की दाल हमने भिगो दी है, ठीक है जी, और जो सी दूसरी दालें थी उनको हमने सेपरेट भिगो के और उनको हम अलग से पकाएंगे। सारी चीजें एक साथ हम हलीम में ऐड नहीं करेंगे। हलीम में जो था है हम इतना वो गर्म पानी ऐड करेंगे, अभी हमारी थोड़ी सी ये तैयार हो जाए तो फिर हम इसको इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मजे का बनेगा। क्योंकि हमने जो गोश्त है अपना वो अलग चूल्हे पे स्टोव पे रख दिया पकने के लिए, वो उधर पकेगा, हलीम इधर पकेगा, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे सिर्फ हम शामिल करेंगे चने की दाल और गंदम, दूसरी दालें जो सी हैं वो हमने गर्म पानी में भिगो दी है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। क्योंकि अगर सारी दालें एक साथ हम डाल देंगे ना इसमें तो फिर हमें बार बार इसको चलाना पड़ेगा और वो नीचे से हमें जो बैठ जाएगा, लग जाएगा, ठीक है जी। ये हमने आपको सारे मसाले दिखाए थे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट रह गया था, ये 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करने हैं, ठीक है जी। और इसमें आधा कप पानी जाएगा, क्योंकि मसाले में भूनना मसाला अच्छे से भून जाएगा, सारे मसालों की जो कच्चा पन है वो निकल जाएगा।
अच्छे से भून जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, इसको हम कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से भून जाए। इसको हम बस थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है जनाब, ये देखिए हमारा गोश्त यहाँ पे पकना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये यहाँ पे पक रहा है, ऐसे पकता रहेगा जब तक कि ये गलता नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट गलाना है इसको, हमने वो जो इसको बोटियां तोड़नी नहीं है, हमने साबित रखनी है। ठीक है जी, जो खुद से टूट जाएंगे टूट जाए। और वो हमारा हलीम का मसाला, ये देखिए ये बन रहा है। चले जी हम मसाला देख लेते हैं। हमारा मसाला, इसमें सिर्फ ये बेसन मसाले जाएंगे, इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ये चीजें नहीं जाएंगी। और जो चीजें जैसे जाएंगी हम आपको बताते हैं। और ये बहुत टेस्टी और बहुत मजे का बन के तैयार होता है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये हमने भिगो ली थी। ठीक है जी, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले में। और इसमें आप इनफ पानी ऐड करेंगे। हमने तकरीबन यहाँ पे ये जो गर्म पानी लिया है इसमें डालने के लिए, ये 1 लीटर का 1 कप है। ये 2 लीटर हो गया। ये हमने हॉट वाटर ही डालना है, बॉइल गर्म है, ज्यादा उबला हुआ नहीं है ना ज्यादा ठंडा नहीं इसमें डालना। ठीक है जी, क्योंकि ताकि ये जल्दी से तकरीबन हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे में ये हलीम पक के रेडी हो जाए। गोश्त और हलीम हमने एक साथ रख दिया है पकने के लिए। अब ये इसमें वहाँ आएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तकरीबन हम 20 मिनट के बाद आपको इसको दोबारा से दिखाएंगे और फिर हम स्टिल इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, गोश्त को भी और हलीम को भी। ठीक है जी, जब दालें ऐड करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। अब ये पकेगा तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे, और गोश्त भी हमारा रखा हुआ है। ठीक है जी, तकरीबन मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए जनाब, ठीक है जी, या इसको बंद कर दो। हम इस चम्मच से इसलिए चला रहे हैं थोड़ा सा शोर पे कि साइडों में ना लगे। अभी सिर्फ इसमें ये देखिए उबाला आया और अभी ये पकने लगा है। अब हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। ठीक है जी, और ये मीडियम फ्लेम पे पकता रहेगा। जब ये दाल और गंदम गल जाएगी फिर हम इसमें दूसरी दालें ऐड करेंगे। ठीक है जनाब, अब हम इसको कवर कर दिए। अब हम तकरीबन आपसे मिलेंगे तकरीबन 1/2 घंटे के बाद। ठीक है जी, चलिए जी हम देखते हैं। देखिए फ्लेम हमने लो कर दिया था। ठीक है जी, ये देखिए ये तकरीबन 1/2 घंटे के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए दाल और जो गंदम है ये देखिए गल चुके हैं। ठीक है जी, गंदम भी हमारा गल गया लेकिन वो मजीद और अभी गलेगा इसमें, और ये हमें घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पकते पकते खुद ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम जो सी हमारी दालें हैं जो हमने पानी में भिगो कर रखी हुई थी, ठीक है जी, ये सारी अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी दाल और गंदम जो से है वो गल चुकी है। हमने ये सारी दालें जो है ये हमने गर्म पानी में भिगो के रखी हुई थी। ठीक है जनाब, अब हम इसको डाल के हर 10 से 15 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे और जैसे ही रेडी होगा फिर हम आपको
आपको भी बीच बीच में दिखाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये सारी दालें इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि अभी दाल और गंदम की यह हालत थी, ठीक है। अब इसमें सारी दालें डाल दी हैं, चावल जो हमने भिगोए थे, दाल, सब चीजें इकट्ठी, ठीक है जी। अब ये इसी उसमें पकता रहेगा और फिर हम 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपको खोल के दिखाएंगे। इधर हमारा गोश्त रेडी हो रहा है, गोश्त की भी हालत हम आपको दिखाएंगे, तो कवर कर देते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे इसको और गोश्त भी दिखाएंगे हमें कैसा चाहिए था। नरम, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, ठीक है जी। लीम में ऐसा कि चम्मच से टूट जाए, हम इसके रेशे करके नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे, ठीक है जनाब। चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, दोबारा से आपको उसके साथ होंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, बस इसको चलाते रहना है जब हम दाल डाल देंगे, क्योंकि दालें जो सी हैं, माश की दाल और मूंग की दाल जो है वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है जी। फिर इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और ये खुद ब खुद ही जो सा है इसमें घुट के रेडी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये देखें, हमें जो सी है हलीम में जो सी है गंदम थोड़ी मोटी मोटी अच्छी लगती है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं वो करेंगे। हमने जितना पानी डाला था हमने फ्लेम लो कर दिया था ताकि ये उसमें पक जाए। अगर आपको लगे कि कच्चा है तो आप इसमें गर्म पानी करके ऐड करिए, ठंडा पानी नहीं, ठीक है जी। तो इसको चलाते ही जाएंगे ऐसे और इसको नीचे से बिल्कुल नहीं लगने देना है, ठीक है जी। ये देखिए, गोश्त भी हमारा उधर रेडी है हो रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे जैसे ही हलीम रेडी होता है, फिर हम आपको गोश्त भी दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इसको अच्छे से चला लिया, ये हमारा मिक्स हो गया। हमें इसको घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पकते पकते खुद ब खुद ही अपनी सही हालत में आ जाएगा। इसने और गाढ़ा भी होना और अभी थोड़ा और मिक्स भी होगा, ठीक है जी। तो थोड़ी देर ये और पकेगा, इसको हम कवर कर देते हैं, फिर हम 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। और गोश्त भी दिखाएंगे कि कितना है उसमें वो हो गया कि नहीं, ठीक है जी। उसका भी गलावट दिखाएंगे कितना ही गलना चाहिए। चलें जी, हम देखते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, अब हम हर 10 मिनट के बाद इसको चलाएंगे ताकि ये हमारा हलीम नीचे से बैठे नहीं, लगे नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद इसमें से स्मेल बहुत बुरी आनी शुरू हो जाती है, खाया नहीं जाता। तो इसलिए, क्योंकि हमने दालें ऐड कर दी थी, तो इसलिए हम इसको तकरीबन हर 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद इसको चलाते जाएंगे ताकि हमारा हलीम अच्छे से पक के रेडी हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए, इसमें क्योंकि दाल इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए, हमें जो गंदम है वो ऐसी ही चाहिए, पकते पकते थोड़ी और घुट जाएगी, बस ऐसी ही चाहिए ताकि हमें इसका टेस्ट आए। हमने बिल्कुल भी वो घोटना नहीं है, ठीक है। ये पकते पकते जितना हो जाएगा बस उतना ही हमारे लिए इनफ होगा। ये देखिए, ठीक है जी। हलीम, खीर और कड़ी, ये तीन चीजें बहुत पेशेंस के साथ पकानी पड़ती हैं, तभी ये बहुत टेस्टी और मजे की बन के रेडी होती है, ठीक है जनाब। तो कवर कर देते हैं, फिर हम 5-10 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाएंगे। हम तकरीबन हर 5 मिनट के बाद इसको चला रहे हैं और 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं ताकि आप ये देखने के कैसे इसको होना चाहिए, ठीक है जी।
अभी गोश्त होगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलें जी अब हम देखते हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा हो गया हलीम, अब रेडी की तरफ जा रहा है। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए यहाँ चाय, दालें नीचे बैठ जाती है जैसे हमने चलाया तो चम्मच के अंदर। ठीक है जी, हमें तकरीबन इतना ही गाढ़ा चाहिए। और यहाँ पे अब आप ये चेक कर लीजिए, ये देखिए दालें सारी इसमें मिक्स हो गई हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें जो वो रह गई है गंदम, वो है साबित। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है जी, ऐसा ही चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये थोड़े से जो हमने तेजपात के पत्ते लिए थे हम ये ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है जनाब, ये हमारा हलीम जोन सा है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए इतना ही हमें चाहिए और ऐसा ही हमें चाहिए। ठीक है जनाब, हम इसके नीचे फ्लेम कर देंगे लो। और अब हम देखते हैं गोश्त की तरफ। ये देखिए जनाब, ये हमारा गोश्त ऐसा है, सिर्फ हल्के से टच से टूट रहा है। ठीक है जी, हमें ऐसा चाहिए था। हमारा गोश्त भी रेडी है, गोश्त को करके और ये हमारा हलीम है। जब हम गोश्त मिक्स करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे। हमारा हलीम रेडी है। तकरीबन हलीम को पकने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। आराम से पकाएंगे पेशेंस के साथ, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे से ऐसे ही तरीके से पकाएंगे, बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है जी, चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं जब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ठीक है जनाब, चले जी यहाँ पे अब हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं। ठीक है जी, हमारा रेडी हो गया हलीम, गाढ़ा भी हो गया अच्छा, ये देख लीजिए। ठीक है जी, हमें ऐसे ही चाहिए था। ये देख लीजिए, इसमें गोश्त ऐड कर देंगे सारा। ठीक है जी, इसका मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा हलीम रेडी है। ठीक है जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जो हमने गोश्त लिया था। इसको अच्छे से दो के इमेज में थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। ठीक है जी, जो सा ये गोश्त का साबुत है, तो ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है जी, अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। ठीक है जी, हम इसे दूसरे चूल्हे पे मूव कर देते हैं और फिर तड़का लगाते हैं। ठीक है जी, वो कवर करते हैं। चलिए जी, हम तड़का रेडी करते हैं। ठीक है जी, पैन लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है जी, इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें से हम थोड़ी सी जो है प्याज वो निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी,
बाकी हम टक्का रेडी कर लेते हैं इसका। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा तड़का रेडी है, ठीक है जी। अब हम इसको हलीम में ऐड करेंगे और आपको दिखाते हैं, ठीक है जनाब। और हम इसमें ये तड़का ऐड करेंगे, थोड़ी सी ऑयल हम डाल देंगे, ठीक है जी। रेडी है, देखिए बहुत मजे का हलीम बन के रेडी है, ठीक है जनाब। ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे जो हमने गर्म मसाला पाउडर लिया था, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम इसमें और चलाएंगे, ठीक है जी। जो हमने जीरा जो सा है भुना पीसा जीरा, वो यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। तो फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है, ठीक है जी, ताकि ये हमारा हलीम नीचे से लगे ना। ये देखिए ये हमारा रेडी है, ठीक है जी। अभी हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। चलिए जी, ये देखिए ये हमारा हलीम, ठीक है जी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बन के रेडी है। और ये हम जो इसके साथ सर्व करते हैं, हरी मिर्च, अदरक और ये भुना हुआ थोड़ा सा, ये ऊपर जब खाना शुरू करते हैं तो जब डालते हैं, और लास्ट जो है ये हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, ठीक है जी, तो इसमें मेल्ट हो जाएगा ये, इसका एक अपना ही अलग टेस्ट है, ठीक है जनाब। ये देखिए, ये देखिए ये हमारा हलीम रेडी है। और ये इसमें बोटियाँ हमने नहीं तोड़ी हैं, हमें रेशेदार नहीं पसंद है, हम ऐसा ही बनाते हैं। आप बनाइए, इंजॉय कीजिए, बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी, और दुआ में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज़।